सो हेलो दोस्तों, हम सभी का स्वागत है ड्रीम प्लस गेम के कॉर्नर वीडियो में। आज हम फिर से खेल रहे हैं ए आ के साथ इवॉल्व, एंड आज हम लोग ना टीम करेंगे एक टेरर वर्ड, जिसके लिए मैं रेडवुड पे आया हूँ। 85 लेवल की है ये, फीमेल है, फीमेल ही चाहिए था, मेल का हमें कुछ फ़ायदा नहीं। हालांकि अगर आप आधा मिनट बस अपना आप लगाओगे ना, तो आपको 100+ लेवल के टेरर वर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, बस टेरर बर्ड है ना, बस वही चाहिए कि हाँ हमने टेरर बर्ड टीम किया, ये बात मेरे को बस सुननी है और कुछ नहीं, मतलब जाननी है और कुछ नहीं। सो ये मैंने छोटा सा एक ट्रैप बनाया था, एक फाउंडेशन एंड डोर फ्रेम और डोर के साथ एक वो इसका ट्रूपर देख लूँ मैं। ओके 1018, फाइन, ज़्यादा नहीं लगेंगे आई गेस, तीन में होना चाहिए। सो देखते हैं 1 2, ओके लेट्स सी, मेरा तुक्का सही रहेगा, 3 या फिर 4। वेट, लाइक सीरियसली मैन, लाइक सीरियसली, सिर्फ 2 ही में हो गया। एंड इसका लेवल हो जाएगा 127 हो जाएगा इसका लेवल आई गेस। एंड हाँ, मैंने जो सैप लगाए थे ना, उसमें काफ़ी अच्छा सैप आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कितने सैप हो गए हैं। ये देखो मेरे पास 14 सैप हो गए हैं। वो नार्कोटिक्स मेरे पास ही थे क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। मच्छर ना दिमाग खाते हैं ना मेरा, कसम से मुझको मच्छरों से बड़ा नफरत है, लाइक सीरियसली। और आज हम एक और डाइनो टीम करेंगे। पहले हम तो मैं टेरर बर्ड के लिए थोड़ा सा प्राइमेट कलेक्ट करके ले आता हूँ, एंड प्राइमेट के साथ ही साथ उसका हंगर भी तब तक के लिए डाउन हो जाएगा। एंड इसका ट्रूपर इतना फास्ट ड्रेन होता है ना कि आप सोच नहीं सकते। तो ठीक है, इसमें जल्दी से जल्द इसके लिए प्राइम मीट लेके आता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। वी आर बैक गाइस, एंड इसका हो चुका है अनकॉन्शियस, देख सकते हो कितना कम है। ओ भाई अभी गिरी रहा है, शिट अभी हो जाता प्रॉब्लम। ओके बढ़ रहा है, थोड़ा सा और खिला दो भाई। मैंने अभी खिलाया था, मगर आई डोंट नो हाउ उसका हो ही जा रहा है नीचे। तो ठीक है, इसको देते हैं एक सूटिंग बाम 3x वाला, एंड थोड़ा सा प्राइम मीट निकाल लेते हैं। 85 लेवल का आई गेस 4 या फिर 5 में हो जाना चाहिए आई गेस, लेकिन फिर भी देखते हैं। ओके नहीं, 4 में हो जाएगा, फाइन। हमारा टेरर बर्ड टीम हो चुका है। ओके ये ले लेते हैं इससे, और ये दे दो, क्योंकि वैसे भी इसको हम लोग वो करेंगे, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। सो इसका सामान वैसे भी जाने ही वाला है, एंड इसकी सैडल तो है नहीं, हम उसको हमारे बेस पे जब हम लेके जाएंगे तब हम उस पर सैडल पर आएंगे। एंड जो दूसरा क्रीचर कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, पानी में। ओके सो पानी में, सो कुछ लोग गैस कर लिए होंगे क्या कौन सा होने वाला, सो मेरे को दिख गया वो। सो उसके लिए हमें चाहिए फिश प्राइमेट। सो ठीक है, इसके इन्वेंट्री मैंने बहुत सारा रखा हुआ है, ठीक है अभी के लिए 4 ही लेके जाता हूँ आई गेस, 4 में हो भी जाना चाहिए। एक तो इसकी इन्वेंट्री नहीं खुलती ना, वही तो दिक्कत है, ये देखो। फाइन, ओके नाइस, ओके चलो ढूंढते हैं इसको, यही तो होना चाहिए। लेट्स सी कहाँ है वो, पानी में होगी मगर कहाँ पर। ओके मैंने सारा प्राइम मीट उसी के इन्वेंट्री में डाल दिया। ओके ए रहा, सो ये है ऑटर, 90 लेवल का है कि है पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, आई गेस 4 में हो जाना चाहिए, मगर फिर भी मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सारा प्राइम मीट इकट्ठा कर लिया। नाइस, हमने, ओ भाई बाजू में स्पाइनो स्पॉन हो गया, परेशानी करेगा वो, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन छोड़ो अभी हम अपने काम पे फोकस करते हैं। ये है, इसको खिला देते हैं 13%, लाइक सीरियसली फीमेल है सही है, मगर एक प्राइम मीट में सिर्फ 13%, लाइक सीरियसली मैन, कम से कम 25% तो होना चाहिए था। कोई नहीं, हम वेट करते हैं। सो गाइस मैं आपको मिलूंगा जब इसका सेकेंड टाइम आ जाएगा। सो ठीक है, इस बार मैं सिर्फ मच्छी लेके आ गया, आई डोंट नो ये मोबाइल पे वर्क करता है कि नहीं, फाइन नहीं करता, समझ गया मैं नहीं करता। और ये पिराना उसकी आ गई, शिट, अरे मेरे को उसको जल्दी से खिलाना है, एंड यहाँ से मैं निकलता हूँ इससे पहले कि मैं निपट जाऊँ,
एंड मेरा दोनों ही स्पॉइल भी हो गया। सॉरी गाइस, मैं आपको मिलता हूँ जब इसका थर्ड टाइम आ जाएगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सॉरी गाइस, हम इसका थर्ड टाइम आ चुका है एंड इसको हम जल्दी से, अरे यार जैसे खिलाऊंगा बोलता हूँ ना वैसे ही भाग जाती है। फाइन, खिला दिया है, अब इसका वेट करते हैं कि कब इसका फोर्थ टाइम आएगा। सॉरी गाइस, फोर्थ टाइम भी इसका आ चुका है, अब इसको चौथी बार खिलाना है। बस इस फाइनों की तरफ क्यों जा रही है। ओके फाइन, अब हम वेट करते हैं कि कब इसका फिफ्थ टाइम आएगा। सॉरी गाइस, फिफ्थ टाइम भी आ चुका है, बस पांचवी बार खिलाना है। आई डोंट नो कितना हो गया होगा, 13, 5, 69, नाइस। ओके फाइन, अब हम मैं आपसे मिलता हूँ जब इसका सिक्स्थ टाइम आ जाएगा। ठीक है गाइस, सिक्स्थ टाइम भी आ गया। अरे रुक जा यार, मतलब ना जब उसके पास जाओ ना तो एकदम अंदर ही घुस जाता है। थोड़ी क्या, सिक्स टाइम भी हो गया, छः बार खिला दिया है। सिक्स टाइम आई गेस, छः बार हमने खिलाया ना, ये छठा था कि सही में छठा थी ये, आई डोंट नो, मैंने सही में भूल गया, नहीं छठा ही था यार आई गेस। अगर कोई नहीं, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आई गेस। मैं सही बताऊँ तो मेरे खाते तक नेक्स्ट टाइम भी हो जाएगा। ओके फाइन, अब मैं आपको बताता हूँ, देखना अभी नेक्स्ट टाइम, देखे बोला था ना नेक्स्ट टाइम हो भी गया होगा, आई गेस ये लास्ट टाइम है। वेट यार, रुक जा, क्यों क्यों भागने। ओ भाई, 3% का चूक गया, रात भी होने वाली है। कोई नहीं, बस थोड़ा सा बस रुक जाते हैं, उसके बाद ये हो भी जाएगा। बाय द वे, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड ये हो गया लास्ट टाइम, फाइनली वी हैव टीम ऑटर। एंड इसको मैं अपने गले में बैठाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। मैं ज़मीन में जाऊँगा तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दिखता है यार, कितना कूल लगता है। प्लस इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, इससे आप ब्लैक पर्ल भी कलेक्ट करवा सकते हो। हालांकि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, आई गेस पक्का बता दूँगा, या फिर इसी वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। सो ये है हमारा ऑटा, ये खाने में फिश मीट खाता है। वेट यार, अभी भी किसी को अटैक करना है। ओके, ये चीटियाँ हैं भाई, लिटरली भाई इतने गंदे है ना, मैं इनसे अटक के मर रहा हूँ, लाइक सीरियसली। तो ठीक है बस, कोई नहीं गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अपने बेस पे। एंड बेस पे मिलने के बाद हम अपने टायरबर्ड को ट्राई आउट करेंगे एंड मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने ऑर्डर की मदद से ब्लैक पर्ल कलेक्ट कर सकते हो। सो हम तुरंत मिलते हैं अपने बेस पे। सो ठीक गाइस, वी आर बैक एट अवर बेस। हमारे टायरबर्ड को मैंने रिक्वेस्ट कर लिया है एंड इसकी सैडल भी मैंने बना ली है, ये रही, एंड सैडल पहन आता है। बाय द वे, इसके स्टेट्स में आपको बता दूँ, 1188.3 हेल्थ है, जो कि मैं बोलूँगा बहुत कम है। 368 स्टैमिना है, जो कि कम है मगर ठीक है बोलूँगा। ओके, ऑक्सीजन तो ऑब्वियस कम है, फूड कोई देखता नहीं है। वेट इसका बहुत गंदा है, सच बताऊँ इसका दो ही चीज़ अच्छा है, मेले डैमेज 318%, मूवमेंट स्पीड 120%, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी बाय द वे फीमेल है, चलता है, और वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, ये हमारे डाइनो पार्क के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर। यहाँ पर से भी मैं सारे डाइनोस अभी क्लियर आउट करके अंदर डालूँगा। लेकिन इसके एबिलिटीज वो सब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो ऑब्वियसली कि लेफ्ट टैप से ये अटैक करता है एंड इसका कोई स्पेशल मूव नहीं है, ये जंप करता है और कुछ नहीं। एंड अगर जंप करते वक्त आप इसे आगे की तरफ, मतलब करते हो जब जंप करते वक्त इसे मूव करोगे तब ये उड़ता है, मतलब एक तरीके से जस्ट लाइक मैंने ऐसे किया और एंड आगे की तरफ किया तो ये उड़ता है मतलब। सो जितना हाइट से आप इसे कराओगे उतना ही ज़्यादा ये उड़ेगा। सो ये एक एबिलिटी है इसका। एंड मैं आपको सच बताऊँ तो ये लोग ना एकदम टेरर होते हैं, रियली टेरर। मीन्स अगर आपने इनका एक पैक बना लिया, तीन या फिर चार टेरर बर्ड्स का, एंड जिसके ऊपर भी आप छोड़ोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो लोग आधे सेकंड के अंदर सबको मार के आ जाएंगे। मीन्स दे आर रियली टेरर। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनका मेले एकदम अच्छा होता है, रैक्स को मार के आ जाएंगे। मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि काफ़ी कमाल के होते हैं। मीन्स एक आलूसोरस जितना बड़ा डाइनो, या फिर थैरिजिनो मान लेते हैं, थैरिजिनो जितना बड़ा डाइनो को ये लोग बड़ी आराम से मार लेंगे। हालांकि इसका स्टेमिना बहुत ही लेट रीजनरेट होता है, लेकिन नॉट अ वरी, मीन्स कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
एंड हम अपने टैर वर्ड को यहीं रखते हैं। एंड बाय द वे, हमने जो हमारा ऑर्डर पकड़ा था उसको मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि आप कैसे उसके मदद से ब्लैक पर्ल इकट्ठा कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सही ऑटो में ऑर्डर मेरा अभी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने डाइनो से थोड़ा दूर चला जाता हूँ ताकि जो हम विसल करें मीन्स तो कोई सुने ना। ओके, होपफुली इसके अंदर फिश हैं। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले अपना ऑर्डर मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो ये हमारा ऑर्डर एंड मेरे को बस एक फिश पे अटैक करना है टारगेट। ओके, कहाँ है, कोई भी फिश दिख जाए। ओके, था रेंज आई गेस। ओके फाइन, टारगेट फाइन। अब हमारा ऑर्डर जाएगा एंड उसको मार के आएगा। एंड जब ऑटर उसे मार के आता है, मैं आपको पानी के अंदर दिखाता हूँ। और हाँ, वो पानी के अंदर डाइव नहीं करता, सो वो एक प्रॉब्लम है, मगर कोई बड़ी बात नहीं आएगा। सो कभी ना कभी तो मार ही लेगा। कि दूसरे पे हम करते हैं, शायद इस पर वो अच्छे से अटैक कर ले। वेट, हाँ ओके फाइन, आई गेस विसल्स नहीं लगा। लगा ओके, अटैक करने तो आ रहा है, मगर आई गेस वो पानी के अंदर है, उसके कारण नहीं हो रहा। ओके, सो हम मच्छी को ही मार देते हैं। सो हार्वेस्ट तो कर ही लेगा ना कम से कम। ओके, हार्वेस्ट किया, नाइस। सो अब हमें, ओ वेट, अगर मैं उसको फॉलो करवाना भूल जा रहा था, हमें उसे फॉलो भी कराना है, वरना वैसे पानी के अंदर ही रहेगा। सो फॉलो करवा लेना है एंड होपफुली इसी टाइम वर्क हो जाए, क्योंकि मैंने पहले फॉलो कराना भूल गया था, वरना ये अभी आपको ब्लैक पर्ल या फिर पर्ल ला के देता है। ओके, किसी और पे ट्राई करते हैं, पहले तो उसे मारना पड़ेगा वरना वो वर्क नहीं करेगा। ओके, किसे मारा, इसी, ये ठीक रहेगा, फाइन। एंड देन उस पर वेट, हम मरे हुए पे टारगेट नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हैं। ओ, मैंने इस पर टारगेट कर दिया, कोई नहीं, इसे तो मार ही लेगा ना कम से कम। मार ले भैया प्लीज़, कोई नहीं, हम मार ले रहे हैं, तुम्हारे बदले की भी मेहनत। ओके, फाइनली मारा उसने, हुफ फाइनल यार। एक छोटे से, बाय द वे, इस छोटे से ऑर्डर के लिए सब करना बड़ा मुश्किल काम है ऑब्वियसली। ओह, ये देखो इसने अभी सिलिका पल्स ला के दिया। सो इसकी इन्वेंट्री में देखो सिलिका पल्स आ गए, तो ये चांसेस रहता है कभी ना कभी तो ब्लैक पल लाएगा। बाय द वे, मेरा डोरियो क्रश भी यहीं घूम रहा था, सो उसने फॉलो की विजल सुन ली, उसलिए मैं बोल रहा था कि हम अपने डाइनो से एक बार दूर चले जाए। सो मैं एक बार ट्राई करता हूँ जब तक ब्लैक पल ना आ जाए। सो जब ब्लैक पल आएगा तब मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, वेट अ सेकंड, लाइक सीरियसली इसे भी अभी, मतलब क्या दिक्कत क्या भाई, जैसे ब्लैक पल मिली वैसी। ओके, मेरे को अपना ऑर्डर नहीं मरवाना, आई एम रियली सॉरी। ओके, मैंने पैसिव तो कर दिया है एंड इसे हम मारते हैं जल्द से जल्द। ओके नाइस, वेट, लाइक सीरियसली जब लास्ट शॉट था तभी उसको बीच में आया था। ओके फाइन, सो जैसा कि आपने एनिमेशन देखा बीच में, हालांकि क्रोकोडाइल आ गए उसके कारण ये भाग के गया, लेकिन जैसा कि देखा, ये देखो ब्लैक पल इसकी इन्वेंट्री में आ गया है। सो चांसेस हैं कि ब्लैक पल मिल ही जाएंगे इसको कभी ना कभी। सो इसको ब्लैक पल मिल ही गए, हालांकि इसको मच्छियाँ वापस भी मारती हैं। सो उसके लिए आप थोड़ा बच के रहना। एंड बेस्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट लाइक मैं अपने ऑर्डर को एक बार यहाँ नीचे उतार दूँ, सबसे पहले तो आप उसे फॉलो करवा लो, देन जो एकदम पानी के एकदम नज़दीक रहेगी, क्योंकि मैंने पैसिव कर दिया गलती से, सो एकदम जो नज़दीक रहती है उन पे आप जाके कर दो टारगेट। सो जब वो मारेगी एंड वापस लेके आएगी आपके लिए, तब उसमें आपको चांसेस रहते हैं कि आपको ब्लैक पल मिल जाएंगे। ओके, फाइनली मार लिया है वो वापस, वेट, लाइक सीरियसली उसने पूरा क्रोकोडाइल को हार्वेस्ट कर लिया, लाइक सीरियसली, मैं साको को, मैंने क्रोकोडाइल क्यों बोल रहा हूँ। सो देखो इस बार फिर से इसने सिलिका पल्स लेके आए हैं, इसको मैं फेंक देता हूँ, इसको ही फेंक देता हूँ, इसकी इन्वेंट्री नहीं भरना मुझे। सो ऐसे चांसेस रहते हैं कि आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे ब्लैक पल, जस्ट लाइक मेरे को सिक्स्थ मीन्स, आपको सच बताऊँ तो 5 या फिर 6 बार में आपको एक ना एक सिलिका पल्स मिल ही जाएगा। ओके, इसका हम नहीं, इसको नहीं कर सकते। बाय द वे, इसको मैं न्यूट्रल करके वापस छोड़ देता हूँ, ये ऐसे घूमते रहता है, मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे घूमते रहता है एंड ये ना स्टोन हार्वेस्ट करता है, देख लो 3000 स्टोन इसने हार्वेस्ट कर लिया है। सो आई गेस दैट
इट्स फॉर दिस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चाहे सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर जाएंगे दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड सॉरी फॉर दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में कुछ खास नहीं था, प्लस ये वीडियो लेट भी थी, उसके दोनों चीज़ के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। सो मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।